नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी सानी कैमरामैन सुरजीत भगत के साथ। सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजौरी में एक एनकाउंटर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है जिसके तहत आतंकवादियों को मार गिराया गया था, आतंकवादियों का सफाया जो है वो किया गया था। एक बड़ी सफलता जो है वो मिली थी इंडियन आर्मी को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं थी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आतंकवादियों का सफाया हुआ तब उसके बाद उस एरिया में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। ये पता लगाया जा रहा था कि कहीं आतंकवादियों का कोई साथी तो वहां छुपा हुआ नहीं है, ये ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके द्वारा कहीं कोई और IED वहां पर तो नहीं छुपाई गई है। तो कुछ ऐसा ही वहां पर हुआ है। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक IED जो है वो मिलती है जवानों को, पर लेकिन वो IED एक्सप्लोड हो जाती है और IED के एक्सप्लोड होने की वजह से यानी उसके धमाके की वजह से हमारे दो जवान शहीद हो चुके हैं। बड़ी ही दुखद खबर है जो इस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दो जवान हमारे इंडियन आर्मी के शहीद हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक ऑपरेशन जो है त्रिनेत्र ऑपरेशन जो है ये चलाया जा रहा है लगातार, और मैं आपको बता दूँ कि पिछले 3 दिनों से एनकाउंटर्स जो हैं वो हो रहे थे एरियाज़ में, कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आज सुबह की अगर बात की जाए तो शुक्रवार की सुबह ये सारा वाक्या जो है वो हुआ है, और इस वाक्या में सबसे पहले सुबह मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली। मुठभेड़ के दौरान ये चीज़ हुआ कि आतंकवादियों से कहा जाता है कि अब आप सरेंडर कर दीजिए, पर लेकिन वो आतंकवादी सरेंडर करने के बजाय आगे से धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देते, और जवाबी कार्रवाई में आगे से हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने भी वही किया। जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी और इस मुठभेड़ के दौरान उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। पर लेकिन इसके बाद जब उस एरिया को सैनिटाइज करने का प्रोसेस शुरू होता है और उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो उस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर आतंकवादियों द्वारा रखा गया एक IED था जो ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से हमारे इंडियन आर्मी के दो जवान शहीद हो चुके हैं। बड़ी ही दुखद खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो जो इंजर्ड हमारे आर्मी के जवान थे उनको पहले तो कमांड हॉस्पिटल में ले जाया गया था उधमपुर में, और पुरानी अगर इनिशियल यानी कि पहली रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो उस एरिया में अभी भी कहा जा रहा था कि एक ग्रुप है टेररिस्ट का जो अभी भी वहां पर छुपा हुआ है, और हो सकता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स की कई कैजुअलिटीज उस एरिया में हो। ऑपरेशन जो है वो अभी भी वहां पर चलाया जा रहा है, अभी भी प्रोग्रेस में है, यानी कि उस एरिया की अभी भी पूरी तरह से जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहीं और कोई इनका साथी वहां पर छुपा हुआ तो नहीं है। जिस तरह से एक IED अभी अभी ब्लास्ट हुई है कुछ समय पहले ही, कहीं और इस तरह की IED इन आतंकवादियों द्वारा छिपाई तो नहीं गई है। बाकी की डिटेल्स आपको समय समय पर इस चैनल के द्वारा जो है वो बताई जाएंगी, पर लेकिन फिलहाल हमारे आर्मी के जो जवान अभी शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति लिखना तो बनता है, तो कमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे आर्मी के जो जवान अभी शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा। फिलहाल साक्षी सानी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। नमस्कार।